शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी, अध्यक्ष जी, हाल ही में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, इसके कारण पूरे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति के हमारे साथी हैं उनके अंदर एक अशांति का भाव है और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्रीमी लेयर की भी बात कही जा रही है, सब क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ये जो आरक्षण अनुसूचित जातियों को मिला था वो आर्थिक आधार पे कभी नहीं मिला था, वो जब मिला था तो वो छुआछात के खिलाफ, जातिगत श्रेष्ठता और हीनता के खिलाफ मिला था। और आज भी समाज के अंदर ये जातिगत श्रेष्ठता और हीनता आज भी मौजूद है। अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, उस और ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, जो उनका उनकी जो परिकल्पना थी, ये उसके खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक बयान भी दें और उपरोक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर समीक्षा भी दायर करें, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति के आरक्षण को ख़त्म करने का एक रास्ता जो है वो प्रतीत होता है कि वो बनाया जा रहा है। और आज भी आप देखते हैं कि कितने ही मामले जो हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के रजिस्टर भी होते हैं, कितने ही मामले उत्पीड़न के आज भी दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इसके अंदर जो है एक रिव्यू सरकार सुप्रीम कोर्ट में डाले भी और अपना वक्तव्य भी दे। धन्यवाद।